पीड़ादायक है। सबों के घर जल गए, बहुतों के पैसे जल गए, कई लोगों ने अपनी माँ के इलाज के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे रखे थे। ये बहुत मन को द्रवित करने वाला, उसको जाना चाहिए। कुछ कृपाल भी मिला है, हमने दो तीन बातें कही हैं। पहले यहाँ शौचालय की तो व्यवस्था होनी चाहिए। पदाधिकारी यहाँ पर है, मैंने उनसे आग्रह किया है, निर्देश भी दिया है कि तुरंत त्वरित शौचालय तो यहाँ जरूर आना। मैं प्रशासन से अपेक्षा अवश्य करूँगा कि बेचारे गरीब लोग भूखे नहीं रहें, और गरीब लोग को रात में गर्मी और सुबह दिन में गर्मी और रात में ठंडक में कम से कम सोने की व्यवस्था ठीक हो। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। पटना के शास्त्री नगर इलाके में बीते दो दिनों पहले जिस तरीके से आगजनी हुई है, घर जल गए हैं, स्लम एरिया जो है वो जल गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो स्लम एरिया है वो पूरा जल गया है, राख हो गया है। आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो बेबस हैं रहने के लिए। ऐसे में सरकार के द्वारा मदद की जा रही है, और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना से सांसद रविशंकर प्रसाद यहां पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हैं। दिल्ली से आज ही पटना पहुँचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तमाम मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, पूरा बयान सुने आप। आया सीधा एयरपोर्ट से, फिर मैं भागा भागा आ रहा हूँ। मुझे बताया गया, बहुत दुखित है मन, यहाँ जो लोगों को नुकसान हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है। सबों के घर जल गए, बहुतों के पैसे जल गए, कई लोगों ने अपनी माँ के इलाज के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे रखे थे। ये बहुत मन को द्रवित करने वाला है। मैंने यहाँ आते ही पदाधिकारियों से बात की, मैंने कलेक्टर से खुद बात की, यहीं से कुछ इन लोग को 9,000 रुपये मिले हैं, कुछ को नहीं मिले हैं, उनको मिल जाना चाहिए। कुछ त्रिपाल भी मिला है, हमने दो तीन बातें कही हैं। पहले यहाँ शौचालय की तो व्यवस्था होनी चाहिए। पदाधिकारी यहाँ पर है, मैंने उनसे आग्रह किया है, निर्देश भी दिया है कि तुरंत त्वरित शौचालय तो यहाँ जरूर आना चाहिए, और बाकी जो शौचालय बना है उसको ठीक कराया जाए। बाकी मैंने कलेक्टर को ये भी कहा है कि जो सबके घर जल गए हैं तो इन लोगों को उसके लिए कोई व्यवस्था की जाए, ताकि उनके घर का पुनर्निर्माण छोटा ही हो सके। इसके लिए मैं भी प्रयास करूंगा। और बाकी इनका जीवन बहुत दुखित है। अभी प्रशासन ने बताया कि बगल के केवी साई स्कूल में इनके रात में सोने और खाने की व्यवस्था की गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं प्रशासन से अपेक्षा अवश्य करूंगा कि बेचारे गरीब लोग भूखे नहीं रहें, और गरीब लोग को रात में गर्मी और सुबह दिन में गर्मी और रात में ठंडक में कम से कम सोने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मुझे प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि उन्होंने व्यवस्था की है, कोई दिक्कत होगी जरूर वो देखेंगे। और बाकी इनकी पीड़ा मैं समझता हूँ, मैंने उनके आंसू भी पोंछे हैं। हम लोग स्वयं लगेंगे, हमारी पार्टी के लोग, भीम बाबू भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी बातें कही है, ताकि इनके चेहरे पर हम मुस्कान ला सकें, हमारी पूरी कोशिश हो। सर, 9,000 रुपए की केवल आर्थिक मदद की गई है, क्या लग रहा है कि इससे लोगों का चल जाएगा सरकार को? अभी शुरुआत है, आगे फिर बात करूंगा। अभी तो खाना वो दे रहे हैं ऐसा मुझे बताया है। 9,000 रुपया अपने आप में पर्याप्त नहीं है, मैं मानता हूँ, ये एक शुरुआत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि और होना चाहिए, लेकिन अभी जो इन लोगों ने अपनी बात बताई, इनको सर पे छत चाहिए, शौचालय चाहिए, खाने की व्यवस्था चाहिए, तो हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि होना चाहिए। सर, आपने डीएम से बात की है, डीएम ने आपको आश्वस्त किया है इन हालात को लेकर? हाँ, मैंने अभी तुरंत बात की है, यहीं से बात की, तो शौचालय पर तुरंत कार्रवाई करवा रहे हैं, और झोपड़ी ठीक ठाक बने इसके लिए वो कार्रवाई करेंगे, और मैं भी इसको फॉलो करूँगा। तो आपने साफ सुना किस तरीके से रविशंकर प्रसाद का कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से आगजनी हुई है, कई लोगों के घर जल गए, कई लोग जो पैसा जमा किए हुए थे इलाज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो तमाम चीज़ें जल गई हैं। सरकार के द्वारा जो आर्थिक मदद है वो की जा रही है, और ऐसे में जिला प्रशासन, जिला अधिकारी से भी रविशंकर प्रसाद के द्वारा बात किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और साफ कहा है कि लोगों को जितनी मदद है वो पहुँचाई जाएगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।